नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सायर माता विजयपुर का भव्य श्रृंगार एवं भंडारा संपन्न। मिर्जापुर जनपद के विजयपुर में स्थित अति प्राचीन शीतला धाम के पास प्राथमिक विद्यालय तिरुई के बगल में स्थित सायर माता का विधि विधान से पूजन किया गया एवं भंडारा भी संपन्न हुआ। बता दें कि विजयपुर की ओर से विगत 4 वर्षों में 13 जुलाई को हरि कीर्तन प्रारंभ होकर 14 जुलाई को समापन किया जाता है। सुंदरकांड हवन पूजा के साथ समापन किया जाता है। सायर माता का विधि विधान से पूजन किया जाता है और हरि कीर्तन भी संपन्न किया जाता है। नविकों द्वारा किए जा रहे इस धर्मार्थ कार्य की राजन चौबे सहित सभी क्षेत्रवासियों ने सराहना की। नवयुवक कमेटी विजयपुर, बालकृष्ण शर्मा, आशुतोष चौबे, दीपक दुबे, विनोद यादव, योगेंद्र यादव, मुकेश शर्मा, श्रीकांत शिव कुमार, अभिषेक दुबे, बंटी दुबे, करण शर्मा, विक्रम, जुगेश, राकेश सहित सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चौबीकी प्रभारी रघुकांत मिश्रा अपने पूरे स्टाफ के साथ मौजूद रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। परिचय बताएं। राजन चौबे, ग्राम विजयपुर। आज यहाँ चौरा माता पे बृहद कार्यक्रम है, विशाल भंडारा रखा गया है। आपके नवयुवक क्या कहना चाहेंगे उन नवयुवकों के लिए? हमारे गांव के नवयुवक पहले की पीढ़ी से लेकर अब की पीढ़ी तक हमेशा से ही काफ़ी संघर्षशील और उत्प्रेरक रहे हैं। ये हमेशा हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ये यहाँ इन लोगों का स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें इन लोगों ने अपनी क्षमता और सहयोग से बढ़ चढ़ कर आप सभी के वरिष्ठ जनों के सहयोग से इस आयोजन को किया है, जिसके लिए इन्हें हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई। विजयपुर में इस समय मेला चल रहा है, क्या व्यवस्थाएँ चल रही हैं यहाँ पर? मेला के बारे में तो महोदय आप जानते ही हैं, आषाढ़ का समय बीत गया, सावन आज से शुरू हो चुका है। जो दुर्व्यवस्थाएं रही हैं जब हम आप पढ़ते थे तब से लेकर के आज तक, वही आज भी हैं। और लगता है कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी सफाई नहीं, उतनी सफाई नहीं हो रही है। हम क्या, कोई नहीं कह सकता कि उतनी सफाई हो रही है। दिनों दिन दुर्व्यवस्थाएँ बढ़ी हैं, ये अलग बात है कि आते जाते श्रद्धालु व्यवस्थित हो चुके हैं, वो किसी ढंग से आकर के अपनी मान्यता को पूरा करके माँ का दर्शन करके चले जाते हैं। जो अव्यवस्थाएं हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, वो जग जाहिर है। जिस जगह पे आज भंडारा है, क्या इनकी मान्यता क्या है? चौरा माता, ये माँ चौरा माता की मान्यता, माँ सायर माता की मान्यता, माँ शीतला की माता, माँ ललिता की मान्यता, ये पौराणिक मान्यताएँ हैं, ये कोई नई मान्यताएँ नहीं है। जहाँ पर भी गाँव का निवास होता है वहाँ इस प्रकार के देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये वासी देवता है और राय बाकी समा अध्यक्ष। कौन सी कमेटी है? नवयुवक कमेटी। आज कौन सा कार्यक्रम है? आज हमारे विगत वर्षों की भांति 13 जुलाई को हरि कीर्तन होता है हमारे माँ चौदह के स्थान पर, और 14 जुलाई को भंडारा का आयोजन किया जाता है। ये कार्य कब से कर रहे हैं? बहुत वर्षों से हो रहा है ये। दीपक दुबे। आज कौन सा कार्यक्रम है? आज यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है अखंड कीर्तन होता है प्लस भंडारा होता है। आज जो भंडारा का समापन है और यहाँ सब गांव के लोग अगल बगल के सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये कचरा वर्ष है, ये कई वर्षों से चल रहा है ये अखंड भंडारा, और जो है हर कीर्तन हुआ था जी। ये आप कैसे, आपके मन में विचार है कि हमको ये कार्य करना था? ये हम लोगों का सनातन है। पहले छोटा होता था, गांव के लोग सब बुजुर्ग लोग मिल के अपना सतुआ चढ़ाते थे। अब इसको जो है समय के अनुसार बदलता गया तो यहाँ कार्यक्रम बढ़ता गया। ये कार्यक्रम करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों को।